नमस्कार, मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर, वक्त तो चला है हलचल इंडिया पर आज की बड़ी खबर का। मुरादनगर शमशान हादसे में मारे गए लोगों को कैंडल जलाकर दी गई श्रद्धांजलि। शमशान घाट में किया गया श्रद्धांजलि कार्यक्रम। मुजफ्फरनगर के चरथावल में शमशान की जमीन धंसने की सूचना से मचा हड़कंप। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में गन्ने से भरे वाहनों के कारण रोजाना लगता है जाम। सुबह सवेरे हुई ट्रैक्टर और कार की भिड़ंत। यूपी के बुलंदशहर में तमंचे के बल पर किशोरी से रैप की वारदात आई सामने। जबरन घर से उठाकर ले जाने का लगाया आरोप। मुजफ्फरनगर के राजूपुर में चुनावी रंजिश के चलते दो पक्ष भिड़े। लाठी डंडों से किया एक दूसरे पर हमला। संघर्ष का लाइव वीडियो हुआ वायरल। बुलंदशहर में कर्ज से तंग आकर अधेड़ ने की आत्महत्या। पुलिस ने जांच की शुरू। आठ जनवरी से पूरे देश में होगा कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राई रन। देश में कोरोना वैक्सीन लगाने की तैयारियां जोरों पर। किसान आंदोलन के समर्थन में शामली से किसानों ने की कूच। सैकड़ों की संख्या में गाजीपुर बॉर्डर के लिए हुए रवाना। मुजफ्फरनगर के फ्रेंड्स कॉलोनी में गोकश का आतंक। एक गोवंश को पिकअप में डाल हुए फरार। लोगों के जागने पर एक गोवंश छोड़ भागे। मुजफ्फरनगर में एसपी देहात ने एलआईयू और पुलिस टीम के साथ चलाया चेकिंग अभियान। संदिग्ध लोगों से की पूछताछ। बुलंदशहर के सियाना में भाक्यू के एनसीआर महासचिव के दिल्ली कूच की सूचना पर पुलिस तैनात। घर को छावनी में किया तब्दील। गाजियाबाद में किसानों के पलवल तक ट्रैक्टर रैली को लेकर प्रशासन अलर्ट। स्टंट पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर बढ़ाई गई सुरक्षा। शामली में पुलिस हिरासत में लिए गए युवक ने धारदार हथियार से रेता गला। मामले पर कार्रवाई करते हुए पुलिस कर्मी को किया निलंबित। हरिद्वार के रुड़की में हॉस्पिटल के अंदर एंड्रॉइड मोबाइल हुआ चोरी। चोरी करते युवक हुआ सीसीटीवी में कैद। कानपुर के बिकरू कांड का अंतिम आरोपी हुआ गिरफ्तार। 50,000 का इनामी विपुल दुबे चढ़ा पुलिस के हत्थे। यूपी एसटीएफ और क्राइम ब्रांच कर रही पूछताछ। मुजफ्फरनगर की सिविल लाइन थाना पुलिस ने किया चोरी की घटना का खुलासा। दो अभियुक्तों को चोरी के नकदी और जेवरात के साथ किया गिरफ्तार। उत्तराखंड में मौसम ने फिर बदली करवट। सर्दियों में मानसून जैसे हालात, जनजीवन अस्त व्यस्त। किसान आंदोलन पर एससी ने जताई चिंता। कहा तबलीगी जमात की तरह ना हो जाए दिक्कत। स्पाइस जेट ने 21 नई घरेलू इंटरनेशनल फ्लाइट चलाने का किया फैसला। 21 जनवरी से चरणबद्ध तरीके से शुरू होगी हवाई सेवा। राजस्थान में एमपी के बाद उत्तराखंड में मिले मृत पक्षी। सैंपल जांच के लिए भेजे। बर्ड फ्लू से कई पक्षियों की हो चुकी है मौत। भारत में कोरोना से ठीक होने वालों का आंकड़ा 1 करोड़ के पार। 96% से अधिक है देश का रिकवरी रेट। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली को अस्पताल से मिली छुट्टी। कहा पूरी तरह हूँ फिट। लखनऊ के अमीनाबाद में अचानक गोली चलने से मचा हड़कंप। 4 लोग हुए घायल। इलाके में मची भगदड़। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने किया ट्वीट। प्रदेश सरकार पर लगाया आरोप। कहा यूपी में आए दिन घटित हो रहे हैं अपराध। भाजपा के खोखले दावों की खोल रहे हैं पोल।
दिल्ली में हनुमान मंदिर तोड़े जाने के विरोध में मुजफ्फरनगर में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने फूंका दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का पुतला।